नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज एक वैकेंसी की खबर मैं लगा रहा हूं। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन रोजगार दे सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को एक इंजीनियर की सख्त ज़रूरत है, साथ ही साथ एक अकाउंटेंट की भी ज़रूरत है। रॉयल इंफ्राटेक कंस्ट्रक्शन की एक नामी गिरामी कंपनी है, जिसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर आपका सिविल इंजीनियर में आदमी को इंजीनियर होना चाहिए, व्यक्ति को वो किसी भी यूनिवर्सिटी जो उसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है, चाहे वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो, चाहे वो सरकारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हो, जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको नौकरी मिलेगी। एक ही पद है, दूसरा पद है अकाउंटेंट की, जिसमें टेली आना चाहिए, ITR रिटर्न फाइल करने आना चाहिए, उसकी योग्यता सिर्फ आपका 10+2 है। पैकेज भी अच्छा है, जिस तरह के HR ने बताया कि जो इंजीनियर हैं उनकी 20,000 सैलरी के अलावा अन्य भत्ते दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो अकाउंटेंट होंगे जिनको टेली के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी होगी उनको भी 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और इनका जो कार्यालय होगा ठीक झाझा बस स्टैंड के सामने, बस स्टैंड के पास जो पावर ग्रिड है वहीं उनका जो रीजनल ऑफिस है वहीं साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार इंटरव्यू की डेट जो है 30 अगस्त मुकर्रर की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है कंपनी के दिए गए नंबर पे या मेल ID पे वो अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। साथ ही साथ वो 30 तारीख को आगे डायरेक्ट भी इंटरव्यू में शरीक हो सकते हैं। इंटरव्यू का समय 10 से 10:30 से लेकर लगभग 3 से 4 बजे तक रहेगा, जैसा कि HR ने बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के HR जुड़ रहे हैं। सर, कुछ वैकेंसी आपकी कंपनी में है, सर क्या कुछ शेयर करेंगे? सर जी, मैं रविंद्र कुमार सिंह, HR डिपार्टमेंट, रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। कितने पदों के लिए वैकेंसी आपकी कंपनी में है? सर ये 2 पदों के लिए है जी, एक सिविल इंजीनियर और दूसरा अकाउंट क्लर्क। अच्छा जी जी, क्या क्या सर उसकी योग्यताएं होनी चाहिए? योग्यता तो इसमें है, सिविल इंजीनियर के लिए जो है वो BTech होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर किसी भी सरकार भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से BTech सिविल इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है सर जी। और दूसरा सर? दूसरा अकाउंट क्लर्क जो इंटरमीडिएट पास हो, साथ ही साथ उन्हें ITR फाइलिंग, GST फाइलिंग, e-tendering, गवर्नमेंट फॉर्म फिलिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, टैली इत्यादि मैनुअल अकाउंट्स की भी जानकारी हो जी। जी, क्या तनख्वाह होगी सर इन लोगों की? इंजीनियर साहब की क्या तनख्वाह होगी सर? ये 20,000 पर एनम होगा, पर मंथ जी जी। और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी सर? और अन्य सुविधाएं और अन्य अलाउंस भी दिया जाएगा जी जी। और इनके लिए सर? इनके लिए 15,000 है पर मंथ और अन्य अलाउंस भी दिया जाएगा जी जी जी। सर अभी सर काम कहाँ होगा, कहाँ ऑफिस है सर, क्या मेल ID आपका है, क्या मोबाइल नंबर है सर, कैसे कॉन्टेक्ट करेगा पब्लिक? ये मैं अपना मेल ID जो दूंगा उस पर अपना वो रिज्यूम भेज सकते हैं। हमारा मेल ID जो लिखा हुआ है जिसमें है कि rc.jhaja@gmail.com। वर्क स्पॉट सर कहाँ होगा? और वर्क ये जहाँ जहाँ कंपनी का साइट चल रहा होगा वहाँ काम साइट पे है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, बांका डिस्ट्रिक्ट है जी जी जी, और भी अन्य भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ भी हमारा साइट चल रहा है। आप वर्क एक्सक्यूशन हो रहा है इंस्टीट्यूट में, और ऑफिशियल कम वर्क एक्सक्यूशन में इंजीनियर लोग को तो काम ही रहता है बहुत सारा। ऑफिस का एड्रेस क्या होगा सर? ऑफिस का एड्रेस बस स्टैंड अपोजिट पावर ग्रिड जी जी जी। कंपनी का नाम फिर बता दें सर? कंपनी है रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन पटना, हेड ऑफिस। कोई कांटेक्ट नंबर है सर? कोई कांटेक्ट नंबर सर? कांटेक्ट नंबर है 99734577444। और कोई नंबर सर दूसरा?